उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त मिजाज के बारे में तो पूरा देश जानता है कि उनके राज में कानून तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। फिर वो चाहे गुंडे, बदमाश, माफिया हो या फिर धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वाले कट्टरपंथी, कानून तोड़ने वालों को पुलिस तो तोड़ती ही है, बुलडोजर भी उनके अवैध आशियाने को तोड़ डालता है। ऐसे सख्त मिजाज वाले सीएम के रास्ते पर लगता है अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा भी चलने लगे। तभी तो अपने राज्य असम में मस्जिदों के इमाम पर लगाम लगाने के लिए तगड़ा फैसला ले लिया है, वो भी ऐसा फैसला जो आज तक ना तो मोदी सरकार ने लिया है और ना ही योगी सरकार ने। ये बात तो आप भी जानते हैं कि असम राज्य की सीमा पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठ ही असम में घुसपैठ करते रहते हैं और असम में घुसपैठ करने के बाद इमाम बनकर मुस्लिमों को कट्टरपंथी बनाने की मुहिम में लग जाते हैं। लेकिन अब हिमंता बिस्वा सरमा के असम में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सीएम हिमंता ने तगड़ा प्लान बनाया, जिसके मुताबिक सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिस पर बाहर से असम में आने वाले इमामों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो असम में रह पाएंगे। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मामले में एक बयान में बताया कि हमने कुछ एसओपी बनाया है कि अगर आपके गांव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना देंगे ताकि वो वेरिफिकेशन कर लें, इसके बाद ही इमाम रुक सकते हैं और असम का हमारा मुस्लिम समुदाय इस काम में हमारी मदद कर रहा है। हमारा जो मुसलमान समाज है थोड़ा सा धर्म का ऊपर आस्था ज़्यादा होता है, तो कोई भी आके बोलता है हम बहुत ज़्यादा अच्छा से इमामती करूँगा, उन लोग को ले लिया जाता है, तो उसमें लोगों का दोष नहीं है। लेकिन अभी हमने कुछ एसओपी बनाए हो कि कोई अगर आपका गांव में इमाम आते हैं और आप उनको नहीं जानते हैं तो थाना को इन्फॉर्म कीजिए, थाना वेरीफाई कर लेगा, उसका बाद इसको रखिए। तो इस काम में हमारा असम का मुसलमान समाज हमको हेल्प कर रहा है और हम एक अभी पोर्टल भी बना रहा हूँ इमाम और मदरसा में जो जनाब तीसर लोग आ रहा है बाहर से, जो धर्मीय मदरसा, सरकारी मदरसा तो हम लोग बंद कर दिया हूँ, लेकिन जो असम का खुद असम का है उनको पोर्टल में नाम डालने का ज़रूरत नहीं है, जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। बाहरी इमाम के असम में घुसने पर लगाम लगाने के लिए पोर्टल बनाने जैसा कदम उठाने वाले सीएम हिमंता ने पिछले दिनों गिरफ्तार 5 बांग्लादेशी आतंकियों का जिक्र करते हुए बताया, तकनीक के जानकार विदेशी आतंकी उनके राज्य को इस्लामिक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए इमामों पर आरोप है कि वो कथित तौर पर राज्य में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल है। उनके कथित तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी संगठन अलकायदा से भी संबंध है, इसलिए उन्होंने ये इमामों को रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया। पहले भी हम लोग बहुत ही दो इम्पोर्टेंट जेहादी का साथ जो लिंक है दो व्यक्ति को अरेस्ट किया हूँ। एक व्यक्ति एक मस्जिद में इमाम का काम कर रहा था, लेकिन ही वॉज ए किंग पिन, कोई तरफ का उन्होंने नेटवर्क एक्सपांड किया था, तो से बांग्लादेशी नागरिक आसाम में आया था जेहादी नेटवर्क फैलाने के लिए, एक गिरफ्तार हुआ है, 5 अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सो ये मुहिम थोड़ा चलेगा। सीएम हिमंता ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बाहरी इमामों पर लगाम लगाने के लिए जो पोर्टल बनाने जा रही है उसमें सिर्फ असम से बाहर के इमामों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, असम के इमाम को नहीं। यानी असम के इमामों को सरकार के इस कदम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सीएम हिमंता के मुताबिक इस मुहिम में असम के मुसलमान भी उनका साथ दे रहे हैं। आपको बता दें असम के गोलपारा में 20 अगस्त को दो इमामों अब्दुल सोभानी और जलालुद्दीन को पकड़ा गया था। उन पर आरोप है कि मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे, साथ ही साथ इनके भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से भी लिंक बताए जा रहे हैं। दोनों को 20 अगस्त को हिरासत में लिया गया था, फिर 21 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया था कि ये दोनों बांग्लादेश से चलाए जा रहे आतंकी संगठन के संपर्क में थे। पुलिस ने इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत केस भी दर्ज किया है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बहरहाल असम की BJP सरकार ने जिस तरह से बाहरी इमामों को असम में घुसने से लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।